तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सातवीं सातवीं की, हमारा पर्यावरण के जो नाम से जो बुक्स है उसको देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर खत्म कर चुके थे, ये आपका 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर है आपका मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में। याद रखिए, मैं बार बार यही दोहराता आया हूँ कि इसे बड़े धैर्य के साथ पढ़िए इन सभी बुक्स को, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं है, शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके। बस धैर्य के साथ आप लोग पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक कहानी का रूप देकर समझाया गया है आप लोगों को। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में भी थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं रेणुका। इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान में से, कुछ बर्फीली प्रदेशों से, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, एक किसने कहा रेणुका ने। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनकी भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, उनके चाचा ने कहा श्रीकांत ने। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन में सीखेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2, यह है आपका अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये सभी देश हैं। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को हम लोग भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में कुछ सहायक सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के भागों, कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अप्रभावित होती है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहनने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियां यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। जो आपकी मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियां मिलती हैं उन्हें ही हम लोग सहायक नदियां कहते हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उनका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। फिर आपकी जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग
समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि का सघन वन उग जाते हैं। इस तरह अमेजन वन वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का विकास धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और एवं ब्रोमी ब्रोमी लाइट लाइट पैदा होती है। वर्षावन में पराड़ी जात की पिछुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, ती बाली पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चीटी खाने वाले टीपी भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप भी विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाए जाते हैं, मगर सांप, अजगर, एनाकोंडा, बुआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले तिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। जो ब्रोमी लाइड है यह है एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल की पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षावन के निवासी देख लेते हैं आपको। वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। विमुक्ता, टेपियोना, युका, अन्नास, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। इनका मुख्य आहार मैने योग है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत दीप ढलान वाली। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ
भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग में से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव होता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे पौधे आते हैं, इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जो सकते हैं। लगभग ये आपकी उसी झूम कृषि के समान ही है, ठीक, स्थानांतरित कृषि के समान ही की जाती है। बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से आप ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां भी ढूंढ सकते हैं, वरना हम लोगों ने जो मैप्स का पार्ट चालू किया था उसमें हम लोगों ने सभी नदियों की सहायक नदियां वर्ल्ड की और फिर चाहे वो भारत की सबको देखा है, वहां जाके देख लेना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की मैदान पर्वत एवं हिमालय के ग्रीपाल तथा सुंदर वन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में यहाँ ठंड होती है। ये है गंगा, ये आपकी आ रही तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घन अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसलें उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान धान जो है यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसल गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व वह होती है जब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोगों की संख्या होती है उसे ही उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कह लेते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029, बिहार का 1100 सॉरी 1102। ये बदलता रहता है, जब भी जनगणना आपकी होती है तब तो बदल जाता है। तो अब 21 की जनगणना होगी उसके बाद बदल जाएगा, तो याद रखिए। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने छुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंगो वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये आपकी धान की खेती की रोपाई कर रहे हैं। असम में चाय बागान है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें आपके हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव।
एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इसमें इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो और जो कृषि है वो उसका कटाव ना हो, इसलिए आपका वेदिकाओं का निर्माण होता है। ये आपका एक सींग वाला गैंडा है, मगर, वेदिका कृषि हो गई है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के आलावर जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। ये आपकी अंधी डॉल्फिन। झील जीविका का साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोहन गांव में रहता है। आज वह प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों पालने के लिए अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोहनयार चाप झील को साफ किया है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनीरिया हाइड्रेला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग करता है। वहां के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने और खाने व बेचने के लिए काफी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं होता है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। ये काफी सफल भी रहा है, काफी नहीं, बहुत हद तक सफल होता। बात करते हैं आगे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात को सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पतन भी आपके मौजूद हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए आपका नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल इलाहाबाद में आपका गंगा यमुना के नदी का संगम, उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल भी हैं। मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ। चलिए तो ये था आपका 8वां चैप्टर, मानव पर्यावरण अन्यन की क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, लगा लेना और याद रखिए। आपकी PDF टेलीग्राम पर डाल दी गई, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। एक बार उससे भी पढ़ लीजिए, इससे आपका 100% क्लियर हो जाएगा सब। चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे 9वें चैप्टर में रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार होता है, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे।